हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड सर्वेश। तो सब संभव हो जाता है, मन नहीं घबराता। दैट मींस दैट कि अगर आप पढ़ लिख कर समझ कर कोई चीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी जी की आरती में भी ये लाइन रहती है, इन लाइनों को मैं फॉलो करता हूँ। आप भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। सो आज हम बात करेंगे EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड के बारे में, एंड यह शेयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा एंड मोटा डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, देर इज नो एनी रिकमेंडेशन टू बाय सेल होल्ड दिस शेयर एनी शेयर ऑफ माय यूट्यूब चैनल में जो वीडियो में बनाता रहता हूँ। सबसे पहला बात करें EKI सर्विस लिमिटेड के बारे में, तो इसमें एक वर्ड निकल के आता है इनकी, अगर हम पढ़ें ना, इसके नीचे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। बिकॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2011 EKI एनर्जी प्रोवाइड द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग कार्बन एडवाइजरी सर्विस क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन। तो हमको पता है ये सब चीज़ें ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो कार्बन के अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, ये सही सारी समस्याएं हैं। तो कंपनी उस सेक्टर में काम कर रही है, हाँ, बट क्या है कि कंपनी काम तो कर रही है बट इनका अभी इतना ग्रोथ अभी दिख नहीं रहा है हाल फिलहाल में, बट आगे फ्यूचर में हो सकता है। बट मुझे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो बिजनेस समझ में आता है वो B2C बिजनेस समझ में आता है, बिजनेस टू कस्टमर। अब B2B बिजनेस समझ में नहीं आता है तो हमको इस चीज़ में नहीं घुसना चाहिए। सर्किल ऑफ कंपटीशन को ढूंढना चाहिए कि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप कोई चीज़ कंपनी ढूंढें जिसका आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिशरी हो, तो आपको वो कंपनी आसानी से समझ में आएगी। आपको ये बिजनेस बहुत कम समझ में आएगा, लोगों में अच्छा खासा रेंज पर रुपये की रेंज में फंसे बैठे हैं और अभी तक उन कई सारे लोगों का पैसा काफ़ी कुछ डूब चुका है। दूसरी कंपनी सिर्फ BSE में लिस्टेड है, तो BSE में लिस्टेड है तो यहाँ से भी कंपनी की थोड़ी डिग्निटी पे सवाल उठता है कि सिर्फ BSE में ही लिस्टेड क्यों है। अगर लिस्ट होना था तो NSE में भी होते। आज की तारीख में तो दो जो कंपनियाँ लिस्ट हो रही हैं वो BSE NSE दोनों में लिस्ट हो रही हैं। BSE में नो डाउट लिक्विडिटी कम रहती है, NSE में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, तो लोगों को ऊपर की रेंज में निकलने का मौका भी मिलता है या फिर नीचे की रेंज में निकलने का मौका भी मिलता है। लोअर सर्किल नहीं लगते, लगते भी हैं तो लगते नहीं रहते, बट अगर एक ही जगह ट्रेडिंग होगी तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करें इसके फंडामेंटल हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती उसमें नहीं घुसना चाहिए। अगर हम सीधा से बात करें बिजनेस और फंडामेंटल को देखने के बाद, दिखा भी दूँ मैं, तो मेरे हिसाब से इस टाइप के स्टॉक्स में कभी नहीं फंसना चाहिए। और यह स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो चलती हुई बस पकड़ना या फिर उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ना कभी नहीं पकड़ सकते, लॉस ही होगा आपको। बिकॉज अगर हम इसका चार्ट देखें ना, तो ये अपर सर्किट में ही गया है। यू कैन चेक इट आउट हेयर कि इसने हमेशा ये सब ड्रॉबैक जो गैप छूटे हैं ना, ये गैप छूट के क्या पता नीचे भी आ जाए। हमेशा अपर सर्किट में ही गया है और फिर नीचे लोअर सर्किट में नीचे आया है। और पिछले एक साल से वी कैन से दैट अब मार्च 2023 से उसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ से और नीचे जा सकता है मेरे हिसाब से, बट आप अपना ड्यूलेंस अवश्य करें। अभी इनका इंडियन ऑयल के साथ कोई MOU भी साइन हुआ है, यहाँ पर लिखा भी है, तो वो एक अलग न्यूज है। बट मुझे नहीं लगता नहीं कि वो इतनी दमदार न्यूज होगी कि इस शेयर को पिकअप कर पाए जो अपने 4000 के रेंज पर लेके जाए यहाँ पे। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल, तो कंपनी की 1300 करोड़ की कंपनी है, 472 पर ट्रेड कर रही है और PE है नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग है, बुक वैल्यू 169 है ओनली, डिविडेंड सर्व नहीं करती है, ROC 31.9 दिख रहा है, इंडस्ट्रीज का PE दिख रहा है बट इसका नहीं है, तो एक अलग बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो सेल्स लगातार कम हो रही है। तो कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है, जो कंपनी 500 करोड़ 400 करोड़ 688 करोड़ की सेल्स देता था वो घूम के बिलो 100 आ गए, 77 करोड़ की सेल्स हुई है और उसमें कंपनी लॉस में 42 करोड़, और पिछले 3 क्वार्टर से तो लगातार लॉस में है। तो मुझे यहाँ से अभी कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। एंड अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी की सेल्स गिर रही हैं, घट रही हैं, 1800 से 1200 आई, अभी 600 आई, अगले बार क्या मतलब और भी गिर जाए वो एक अलग मैटर है, बट कंपनी इज इन लॉस। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉक का CAGR 1 ईयर का लॉस में है। बैलेंस शीट देखें तो 28 करोड़ का इक्विटी है और रिजर्व भी 437 करोड़ दिख रहा है। बोरिंग नो डाउट कम हुई है, एक अलग पॉइंट है, और इनका फिक्स असेट भी थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मतलब में थोड़ा अच्छा खासा बड़ा है। बट अगर उस फिक्स असेट में भी देखें ना, तो इनटेंजिबल असेट है 95 करोड़ का। तो इनटेंजिबल असेट क्या होता है, इनटेंजिबल असेट समझते हो, तो ब्रांड वैल्यू वगैरह जिसको देखा ना जा सके, फील ना करा जा सके, वो 95 करोड़ का दिखा दिया, तो इन्होंने अपना असेट दिखा दिया। मुझे नहीं लगता है अभी भी कुछ इसमें प्रॉपर अच्छा है।
अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास 73.41 है। FIDI की थोड़ी थोड़ी पोजीशन थी पहले, वो सारे निकल चुके हैं यहाँ से। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझिए कि FIDI नहीं है, बाकी के जितने भी स्टॉक लेके बैठे हैं पब्लिक के पास है। तो दिस इज द बिग नेगेटिव पॉइंट कि FIDI सब सेल कर गए, सारा माल पब्लिक के पास है 27% के आसपास। मुझे यहाँ से अगर हम देखें ना, तो स्टॉक में अभी कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आता है। आप अपना ड्यूलेंस करने के बाद इसमें कुछ भी डिसीजन लें प्लीज़, मेरे वीडियो के पास देखने के बाद इसमें कोई ना डिसीजन बना लें, बिकॉज मेरी जो जितनी समझ है उतना मैं बनाता हूँ। मैं हमेशा ऐसे स्टॉक के बारे में कभी कुछ नहीं बताता जिसमें कुछ मुझे ही समझ में नहीं आया, पब्लिक कुछ समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ आपको समझ में आए वो खरीदो ना। क्या अगर आपको EKI एनर्जी समझ में आती है तो आप खरीदिए, अगर आपको EKI का बिजनेस समझ में आता है तो उसके पैरेलल में और सारे बिजनेस भी कई सारे हैं। अगर आपको समझना ही है तो आप ई व्हीकल में चले जाइए, अगर आपको समझ में है सोलर एनर्जी में चले जाइए, अगर आपको समझना है तो फिर आप विंड एनर्जी वाला शेयर खरीद लीजिए, वहां से तो कुछ बनेगा, आपको दिखेगा, समझ में आएगा। समझ में आई ना? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा EKI एनर्जी के बारे में। अगर आप पर्सनली पूछे तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था कि ये एनर्जी के बारे में कई सारे लोगों ने पहले भी पूछा है, बट मैंने तब भी नहीं बनाया। बट इसमें मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग अच्छे खासी रेंज में फंसे हैं, तो आपको ये वीडियो आपकी एक लर्निंग फीस की तरह काम आएगा कि हमेशा इस टाइप के कंपनियों में नहीं चढ़ना चाहिए, कंपनियों में नहीं बाय करना चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत लॉस बुक किया है तो आप उसमें देख सकते हैं अपना, बट ये लर्निंग फीस की तरह आपके पोर्टफोलियो में एक दो स्टॉक ऐसे ज़रूर होंगे, हमारे पोर्टफोलियो में भी है, मेरे पोर्टफोलियो में, कि जो हमें लर्निंग देते रहते हैं कि हमने क्या खरीद लिया था बिना समझे बिना सोचे और आज हम लॉस में लेके बैठे हैं उसको। आई होप आपको ये वीडियो कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। बाय।